हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपना फर्स्ट व्लॉग बनाने जा रही हूँ और आज मुझे जाना है पणजी करीबन 11 से 12 बजे के बीच, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसका स्कूल पणजी में है और उनके स्कूल में आज साइंस और क्राफ्ट एग्जीबिशन है। तो स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को भी इनवाइट किया है, तो आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने प्लान किया है उधर जाने का। सुबह के 5:15 हो गए हैं क्योंकि बस जो है वो 6:30 आती है, तो अभी मुझे दोनों का टिफिन बनाना है, छोटे बेटे को रेडी भी करना है। तो चलिए, मैं आपको बाद में मिलती हूँ। अभी को मैंने मेरे ऑलमोस्ट सभी काम ख़त्म कर लिए हैं और ब्रेकफास्ट में तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ पोहा बनाया था और अभी मैं लंच रेडी करके रखने वाली हूँ, क्योंकि स्कूल से आते आते हमें बहुत देर हो जाएगी, इसलिए मैं अभी लंच में बैंगन रोस्ट कर रही हूँ मैं और बैंगन का भरता बनाने वाली हूँ और इसके साथ तौर की रोटी बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तो गेहूं की रोटी नहीं खाई जाती, बहुत ही वीकली वन टाइम या टू टाइम ऐसा हम गेहूँ की रोटी बनाते हैं और रोज़ को हम ज्वार या बाजरे की रोटी बनाते हैं। तो आज मैं ज्वार और बाजरा दोनों की रोटी बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से मैं फटाफट लंच की तैयारी कर लेती हूँ। मेरे छोटे बेटे को ज़्यादा रोटी पसंद नहीं है, तो उसके लिए मैंने दाल और चावल अलग से बना के रखा है। चौर की रोटी कैसी बनती है इसका वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो ज़रूर आप देखिए उस वीडियो को। अभी मैंने मेरा सभी काम ख़त्म कर लिया है, तो अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और बाद में आपसे मिलती हूँ। मैंने बताया था कि आज मेरे बेटे के स्कूल में साइंस और क्राफ्ट एग्जीबिशन है, तो इसके लिए मैंने सुबह मेरा अपना काम फटाफट फिनिश किया है, तो अभी मैं जा रही हूँ पणजी के लिए, आप भी मेरे साथ। चर्च है, गोवा का फेमस चर्च है और इस साइड में ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर सिंघम मूवी का शूट हुआ था। चेंज हो गए हैं, पहले मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जाने वाले थे, तो मेरे हस्बैंड को अर्जेंट से काम आ गया है, इसलिए अब मुझे वो ड्रॉप कर रहे हैं स्कूल के पास और वो अपने काम को निकल पड़े हैं। तो ये पणजी का चर्च है, आपने इसे बहुत सारे मूवी में देखा होगा। अभी मैं स्कूल को पहुंच गई हूं और यहां पर आर्ट और क्राफ्ट एग्जीबिशन शुरू होता है।
यहाँ पर जो ये ट्रीज का पांडा का और वारली पेंटिंग का ड्राइंग दिख रहा है, ये मेरे बेटे ने बना के दिया था। देखिए यहाँ पर कितना अच्छा अच्छा क्राफ्ट और आर्ट बनाकर लाया है छोटे छोटे बच्चों ने। ये सभी बनाने के लिए उनके पेरेंट्स ने भी उनकी हेल्प की होगी और टीचर और स्टाफ्स ने भी पूरा यहाँ पर बहुत मेहनत की है। देखिए कितने अच्छे से सभी अरेंज किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो दो लड़के हैं से वाटर के बारे में बता रहे हैं और ये जो लड़का है ये हेल्दी फूड और जंक फूड के बारे में बता रहा है। देखिए यहाँ पर ये मेरा बेटा है अथर्व,
इसने और इसके फ्रेंड ने मिलकर हेरॉन्स फाउंटेन का प्रोजेक्ट बनाया था। यहाँ पर ये जो मंगलयान दिख रहा है ये मैंने बनाकर दिया था मेरे छोटे बेटे को, और यहाँ पर एक मेरे बड़े बेटे ने ड्राइंग निकाल कर भी दिया था। ये देखिए साइंटिस्ट का कार्टून टाइप में इसने ड्राइंग बना के दिया है। तो यहाँ पर एक पपेट शो भी अरेंज किया था, हाउ लेजी बी टर्न इनटू बिजी बी। तो 10 मिनट का वीडियो है इसलिए मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर साइंस एग्जीबिशन खत्म हो गया है, तो अब मैं मेरे हस्बैंड की वेट कर रही हूँ। तो आने तक मैं आपको स्कूल का सराउंडिंग एरिया दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर टेंपल है, एक तो ये लक्ष्मी का टेंपल है और यहाँ पर एक गणपति का टेंपल है। देखिए यहाँ पर बच्चे कुछ कर रहे हैं। तो आर्ट और क्राफ्ट एग्जीबिशन खत्म हो गया है, तो अब हम रिटर्न घर को जा रहे हैं और मेरा शैतान बेटा पीछे बैठा है। सुबह हम जो आते वक्त आए थे वो हम हाईवे से आए थे, तो अभी हम जाते वक्त दूसरे रोड से जा रहे हैं। ये देखिए साइड में जो रिवर है वो मांडवी रिवर है, और ये जो रोड हम जा रहे हैं ये आपने गोलमाल पिक्चर में देखा होगा, यहाँ पर गोलमाल पिक्चर का शूट हुआ था। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर अपना लॉग खत्म कर रही हूँ, और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं फिर से ऐसे व्लॉग बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।